अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीश होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है जादू भैया शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया हैज मोर यूनिकॉर्न देन यूके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने बीट कर दिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत अब तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। अगला नंबर हमारा है यहाँ पर सेकंड स्पॉट पे पहुंचने का, चाइना को बीट करना है सेकंड स्पॉट पे और इवेंचुअली एक दिन यूएस को भी बीट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने डिस्प्लेस कर दिया है यूके को टू बी थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न। अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे ये लिस्ट निकाली है हुरून इंडेक्स ने, ये इस लिस्ट का नाम है हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021। और यहाँ पर आप देख पाओगे भारत की रैंक है थर्ड, हमारे पास टोटल यूनिकॉर्न हो गए अब 54, चाइना के पास अभी भी बहुत ज़्यादा है 301। टाइम लगेगा मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब साल दर साल क्या हो रहा है कि चाइना के यूनिकॉर्न का स्टेटस कम होता जा रहा है और इंडिया के यहाँ आप अगर देखो तो यूनिकॉर्न्स एवरी सिंगल ईयर बढ़ती जा रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 तक हम कंप्लीटली चाइना को ओवरटेक कर ले। चाइना को तो खैर ओवरटेक कर ही लेंगे मगर एक बार पीछे मुड़ के भी देख लो, कम कंट्रीज को बीट नहीं किया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इसराइल को बीट कर दिया, कनाडा, ब्राजील, साउथ कोरिया। और यहाँ पर आप पूछेंगे ठीक है सर बीट तो कर दिया मगर यूनिकॉर्न होता क्या है, ये क्या सही में इसको यूनिकॉर्न कहते हैं क्या, घोड़े आ गए क्या हमारे पास सिंह वाले? देखिए नहीं, यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज करते हैं एक सर्टन कंपनी के लिए, समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है, 100, 40, 46 या फिर 86? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब देखो वैसे हिस्टोरिकली यूनिकॉर्न जो है ना वो इसको कहते हैं, इस घोड़े को, यहाँ पर आप देख पाओगे एक मिथिकल बीस्ट होता है, वैसे यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर होता नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ऊपर ये सींग लगा हुआ है और कहते हैं कि यूनिकॉर्न में मैजिकल पावर्स होती हैं। उसके अलावा एक और बीस्ट भी होता है पेगासस के नाम से, पेगासस यूनिकॉर्न में फर्क ये होता है कि पेगासस के आपको पर दिखेंगे, वैसे दोनों दूर से आप अगर देखो तो घोड़े जैसे लगेंगे। अब यूनिकॉर्न और एक कंपनी में कैसे सिमिलैरिटी आ जाती है ये समझाने से पहले आपको यहाँ पर पहले जानना होगा कि एक स्टार्टअप क्या होती है। देखिए एक स्टार्टअप होती है एक नई कंपनी जब आप शुरू करते हैं जहाँ पर आपकी इनिशियली हाई कॉस्ट होती है, लिमिटेड रेवेन्यू होता है और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं और इवेंचुअली आपको और ज़्यादा फंड चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। वैसे आप अगर देखें कोई भी कंपनी आज के समय कोई शुरू कर ले कह सकता है कि स्टार्टअप मैंने शुरू किया है, मगर यूजुअली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर देखा जाता है कि मान लो आपने कंपनी शुरू करी, आप कहते हो कि मेरे पास कोल्ड कॉफ़ी की ऐसी रेसिपी है कि स्टारबक्स को भी हरा दूंगा मैं, ऐसी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो आप एक कंपनी ओपन करते हो, लोन लेते हो कहीं से, हैवी लोन लेते हो, इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई होती है, प्रॉफिट वगैरह ज़रा आ नहीं रहा होता, मगर आप फोकस करते हो क्वालिटी पर, आप फोकस करते हो सर्विस पर, आप फोकस करते हो ब्रांडिंग पर और धीरे धीरे बाकी जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहे आपके देश के हो बाहर के हो, वो देखते हैं कि ये कंपनी सही है, इसमें भी पैसा लगा देते हैं, इसकी वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में उठेगी, तो वो पैसा आपकी कंपनी में लगाएंगे और धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ की रहेगी। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो होगी उस कंपनी को मिलेंगे टाइटल। अब मान लो आपने कल को एक कंपनी ओपन करी थी कोल्ड कॉफी बेचने वाली, आपने उसके बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर दिए, कहीं से एक अमीर इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि ठीक है आपके पास अपनी कंपनी के 100% शेयर है ना, मुझे इस कंपनी के 20% शेयर दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू लगाता हूँ $1 million, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में कितने हो गए 7.5 करोड़ रुपए। तो 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन लग जाएगी आपकी कंपनी को और आप अगर 20% शेयर देते हो तो 7.5 करोड़ का 20% आपको मिल जाएगा, उससे आप कंपनी का और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर ने लगा दी $1 million। तो आपकी कंपनी क्या बन गई, आपकी कंपनी बन गई एक मिनीकॉर्न। उसके बाद आप और ग्रो होते गए, आपका ब्रांड और ज़रा बड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स को और भरोसा आता है आपकी कंपनी पर, तो फिर आपको टाइटल मिल सकता है सुनीकॉर्न का। सुनीकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली $1 million से तो ऊपर होती है मगर अभी $1 billion तक नहीं पहुंची,
$1 बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़ रुपए। तो मतलब कि अभी आप 200 मिलियन 300 मिलियन 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास की अगर आपकी वैल्यूएशन है, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो मान के चलते हैं कि इस कंपनी में दम है, इन द फ्यूचर ये और उठेगी, हम इसकी वैल्यूएशन मान के चलते हैं 400-500 मिलियन डॉलर, तो आपकी कंपनी हो गई एक सुनिकॉर्न। अब मान लो बीच में आपने बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया, आपका प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है उसको टच कर रहा है, तब आपकी कंपनी बन सकती है एक यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन लग चुकी होती है $1 बिलियन। और इसको यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं? देखो पुरानी जो किताबें हैं वहां पे लिखा होता है कि यूनिकॉर्न बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक ऐसा मिथिकल बीस्ट है जो ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, दूर कहीं जाना होता है तो जाकर यूनिकॉर्न मिलता है। और बिजनेस की दुनिया में भी ऐसे ही है, कंपनियां खुलती हैं हजारों लाखों, यूनिकॉर्न बन पाती है उनमें से सिर्फ एक ही, क्योंकि यूनिकॉर्न में कई इन्वेस्टर्स ने पैसे डाल रखे होते हैं। यूनिकॉर्न अपने आप में कई लोगों को रोजगार देती है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, और जिस देश में आज के समय जितनी ज्यादा यूनिकॉर्न आपको मिलेगी उस कंट्री में इनोवेशन भी उतनी ज्यादा आपको दिखेगी। तो कम शब्दों में ये समझ लो कि आज के समय 2021 में भारत के पास 54 ऐसी स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन लग चुकी है $1 बिलियन से भी ऊपर। और अब ये मत मान लेना कि $1 बिलियन से ऊपर और 2 बिलियन से कम, $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक की वैल्यूएशन अगर होती है तो उस कंपनी को आप कहोगे कि ये एक यूनिकॉर्न है। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न है। जी हाँ, जो ये 54 कंपनीज आपको दिख रही हैं उनमें से एक कंपनी अनअकैडमी है। अनअकैडमी की रिसेंटली वैल्यूएशन लगी थी $3 बिलियन से भी ऊपर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा बट इट इज इवन मोर देन $3 बिलियन। सिमिलरली बहुत सी और कंपनीज आपको मिलेगी, स्विगी फॉर एग्जाम्पल ये भी एक यूनिकॉर्न है। वेरियस और कंपनीज है आज के समय इंडिया में जो लोगों का जो जीने का तरीका है काफी हद तक चेंज कर रही है। रेजर पे है, इंडिया की होम ग्रोन पेमेंट सर्विस, ऐसी बहुत सी स्टार्टअप है आज के समय जो इंडियन कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है। और अभी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया के पास कितने यूनिकॉर्न होने वाले हैं, 150। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी उठेगी, अभी तो मान लो रनवे पे हैं, अभी तो अच्छे से फ्लाइट लेनी बाकी है। 2025 तक माना जा रहा है कि 150 यूनिकॉर्न होंगे हमारे देश में, और इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, करीब 32 से लेकर 33 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे यूनिकॉर्न से बड़ा क्या होता है? आपने ये बताया कि ठीक है $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन की वैल्यूएशन अगर कंपनी की लग गई तो वो हो गया यूनिकॉर्न, उससे ऊपर क्या है? देखो 10 बिलियन से ऊपर की अगर वैल्यूएशन है, 10 बिलियन या फिर $10 बिलियन के ऊपर की वैल्यूएशन अगर है तो उसको कहते हैं डेकाकॉर्न, और उसके बाद होती है भारी भरकम हेक्टाकॉर्न। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसएक्स की, जो बहुत ही मेजर कंपनीज हैं, जो यूएस बेस्ड है ज्यादातर, जहां पर इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं, बस पैसा बहा देते हैं, वो कंपनियां होती है हेक्टाकॉर्न। मगर यूनिकॉर्न पर दुनिया का फोकस इसलिए होता है क्योंकि एक बार एक कंपनी यूनिकॉर्न बन गई तो उसके बाद डेकाकॉर्न बनने की जो पॉसिबिलिटी है ये काफी हद तक बढ़ जाती है। यूनिकॉर्न आप मान लो एक लेवल होता है रीच करने का, यूनिकॉर्न से एक कदम पीछे सुनिकॉर्न जब तक आप हो तब तक एक स्ट्रगल चलती रहती है। $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और इंडिया के लिए देखो एक बात अच्छी ये भी है कि जैसे जैसे यूएसए और चाइना के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं चाइनीज कंपनीज से, उससे क्या हो रहा है कि चाइना की बहुत सारी स्टार्टअप है उनकी वैल्यूएशन गिर रही है। अब इस साल आप अगर देखो तो 5 चाइनीज स्टार्टअप्स थी, उनका यूनिकॉर्न का स्टेटस छिन गया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इतनी जल्दी से उनके स्टॉक बेचे, बाहर निकले कंपनी से इतनी जल्दी कि उनकी वैल्यूएशन गिर गई। जबकि इंडिया में आप अगर देखो तो हमने इसी साल 33 स्टार्टअप्स ऐड करी है, तो जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम बीट कर देंगे चाइना को। और मैं आपको ये बता दूं, एक बार हमारे यहाँ यूनिकॉर्न 150 के आसपास हो गई ना, आप देखोगे इंडिया में बनेगी स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप्स, इंडिया की जो ऐप्स हैं ये दुनिया को कॉन्कर करेंगी, हमारे यहाँ जेन्युइनली ऐसे ब्रांड्स खड़े होंगे जो दुनिया भर में नाम कमाएंगे। और अब यहाँ पर आप यही पूछोगे कि इंडिया के आसपास जो देश है क्या वहाँ पर भी यूनिकॉर्न है, तो देखिए बहुत कम, नेपाल तो भूल जाइए, पाकिस्तान में आज तक एक भी होम ग्रोन यूनिकॉर्न खड़ा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं इनके यहाँ 3 कंपनियाँ हैं, एक करीम करके और अफिनिटी और कीप ट्रकिन करके कुछ कंपनियां इनकी, जिनकी वैल्यूएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये यूनिकॉर्न है, मगर ये ज़्यादातर बनाई गई हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज द्वारा, और या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं उन्होंने ये कंपनीज बिल्ड करी है, बस पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बिजनेस करती हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में आज तक एक भी होम ग्रोन यूनिकॉर्न खड़ा नहीं हो पाया। मैं ये स्टेटमेंट किसी कंट्री को बी लिटल करने के लिए नहीं कह रहा,
मैं बस आपको सिंपली ये बता रहा हूं कि आप इसे समझ सकते हैं कि एक कंट्री में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है, हमारे यहाँ 54 आ चुकी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना काम किया गया है पिछले 5-6 सालों में। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये यूनिकॉर्न बस ऐसे ही खड़ी हो गई, बस एक आइडिया लगाया किसी ने, इन्वेस्टर्स ने कहा कि हाँ ठीक है आबादी है पैसे डाल दो। सरकार ने भी बहुत काम किया है। भारत सरकार का जो इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया रेवोल्यूशनरी था। उसके अंडर आप अगर देखो तो बहुत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए सरकार ने। इनिशियली जो ये स्टार्टअप्स हैं इनको लोन बांटे गए ताकि खड़े तो हों, ये एक बार पैरों पे खड़े हो जाएं, बाकी इनके अंदर जो दम होगा, जो स्टार्टअप आगे बढ़ पाएगी वो और ग्रो करेगी और साथ में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी उठाएगी। तो इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं आज के समय इतनी सक्सेसफुल हुई हैं कि जापानीज इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत ज़्यादा हमको आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। जिस देश ने हमको अपनी कॉलोनी बना के रखा था 200 सालों तक, उसको ही अच्छे से पीछे छोड़ दिया हमने यहाँ पर। अभी अगला टारगेट हमारा है चाइना, चाइना को बीट करना है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 46th है इंडिया की रैंक और यहाँ पर नंबर 1 पे था स्विट्जरलैंड। जैसे जैसे भारत में स्टार्टअप्स और ज़रा बढ़ेंगी, यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगी, आप देखेंगे इस रैंक में भी आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। और फाइनली आप हमें ये भी ऐड कर। हाँ जी सर, तो आप क्या कहेंगे यूनिकॉर्न्स के बारे में? यूनिकॉर्न्स के बारे में तो हम अच्छा 54 जो है वो हो चुकी है और यूके को जो है वो बीट कर दिया है इंडिया ने। तो भाई ये होती है अपने देश के साथ मुखलिसपन और अपने देश को आगे लेके जाने का जज्बा, ये होता है। ये ऐसा नहीं होता कि चलो कुछ पैसा है हमारे पास तो इसको उठाएं। लास्ट टाइम आपको पता है वो हमारी सिटी में एक बंदा जो है उसने अपनी कुछ शॉप्स जो थी उसका अच्छा भला कारोबार था, उसने सारे को सारा बेचा और बेच के उसको वैसे तो वीजा नहीं मिल रहा था, तो उसने कनाडा का वीजा अप्लाई किया। गालबन उसको मिले थे, शॉप्स थी कपड़ा वगैरह इसकी शॉप्स थी 6 थी, तो पर शॉप के हिसाब से 1.5 करोड़ में सेल हुई। तो इस हिसाब से उसने सारा पैसा इकट्ठा किया और एक ही बार में वीजा अप्लाई करने से पहले उसने कहा कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरा जो है सारा सूरत हाल है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ जैसे मुझे पैसा मिलेगा। तो फिर ऑफिशियली तौर पे जब तक वो पैसा कनाडा ट्रांसफर नहीं हुआ कनाडा, तब तक जो है वो वीजा नहीं मिला। और जैसे वो ट्रांसफर हुए उनके बैंक में, तो जाहिर सी बात है कि एक बंदा अगर यहाँ से लेके जा रहा है 20-25 करोड़ या 30 करोड़, तो उसने जाते ही वो सारे उठा के तो लगा तो लेने नहीं होते, वो बैंक्स में ही पड़े रहते हैं और गवर्नमेंट का फायदा हो रहा होता है या मतलब बैंक का फायदा हो रहा होता है। तो ये चीजें होती हैं कि यहाँ पे अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो भाई इस सिस्टम से या फिर लोगों से या क्या कह सकते हैं किस चीज से तंग आके यहाँ से भाग रहे हैं। तो बाहर वाले जो है वो यहाँ पे आते हैं पैसा लगाते हैं, लेकिन उनकी जो भी सेटलमेंट है उनकी तगड़ी सेटलमेंट है, उनको पता है कि उन्होंने वो क्या कहते हैं जोरे बाजू पे जो है ना उन्होंने पैसा निकलवा लेना होता है गवर्नमेंट से या किसी से भी, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाहर से आता है वही पैसा ठीक ठाक कमाता है। पाकिस्तानी भी है कुछ बिजनेसमैन, लेकिन वो मसला ये है कि उनपे आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो लग जाता है कोई, मतलब वो तो इल्जाम ही कहते हैं, अब वल्ला आलम इल्जाम लगता है या हुकूमत लगती है हमें नहीं पता, क्योंकि क्या कहते हैं लैंड के हवाले से तो, और उसके अलावा बैंकिंग के हवाले से 1-2 पर्सन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तो उनके बच्चे जो हैं वो खाली खुद बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनके बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, उनके बच्चे तो पता नहीं कब के पैदा भी इधर पाकिस्तान में हुए हैं या नहीं हुए, बस बिजनेस चल रहा है। उसके अलावा जो है बात करना चाहूंगा कि सऊदी में पाकिस्तानी कंपनीज हैं, हमारे वजरा जो थे गुजर गए, उनकी जो है गुजर गया मतलब दुनिया से नहीं गुजरे, वो यहीं पे हैं जिंदा है हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के वजीर रह चुके हैं, उनकी औलादें जो है वो पाकिस्तान नहीं आती, उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो पाकिस्तान पैसा लेके आए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो है इतना ज्यादा बर्डन जो इतना कर्जे का चढ़ा हुआ है, एक बार पैसा आए तो पैसा आने से, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमने बात की थी कि हमारे जो है वजीर खजाना साहब थे सागदार साहब, उन्होंने गोल्डन गोल्डन ईंटें जो है प्लेट्स या ईंटे टाइप कुछ इस तरह का शो करवाया हुआ था कि हमारे खजाने में ये सोने की पड़ी हुई है, तो शो करवाया कि डॉलर का रेट कम रहा, लेकिन जैसे ही वो पता चला कि ये नकली हैं तो फिर जाहिर सी बात है
कहां से कहां बात पहुंच गई। तो ये चीजें होती हैं किसी भी कंट्री को मजबूत करने के लिए, देशभक्ति जो है ना ये जरूरी होती है। किसी भी कंट्री को मजबूत करने के लिए कंट्री के जो लोग हैं वो ही सरमाया होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये देखे ना, इंडिया में अगर जितनी भी कंपनी है जिनमें लोग अपना शेयर रख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग शेयर रख रहे हैं, तो ट्रस्टेबल लोग हैं, तो उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है। और दूसरा ये इधर आप देखें पाकिस्तान में किस पे ट्रस्ट करें। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान तो पहले ही अपनी ट्रस्ट पे चल रहा है। पाकिस्तान तो पहले ट्रस्ट पे चल रहा है, वो वाला ट्रस्ट जो आपको पता है। और एक ये है कि पाकिस्तान अपनी इसी तंग नजरी की वजह से ना थोड़ा सा है मशहूर, यहाँ से लोग बाहर भी इसी वजह से जाते हैं कि ये तंग नजर लोग हैं यहाँ। अब हमें भी फेस करना पड़ रहा है ऐसे लोगों को, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। लेकिन चलो लगे हुए हैं और छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है मशवरे देते हैं, तो ये तो बस चलता ही रहेगा। अब जिनकी जैसी नजर वो वैसा देखें, हम तो भाई क्लियर वो क्या कहते हैं कि अपना साफ आईने की तरह। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोगों के लिए हमें हम वो आईना है कि वो जब देखते हैं तो उनको अपना आप नजर आता है, और कुछ लोगों के लिए वो दूसरा ग्लास है कि जब वो हमें देखते हैं तो उनकी नजर आर पार चले जाती है, वो हमारा जाहिर और बातें सारा कुछ देख रहे होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें देखकर अपना आप देखते हैं, अपनी बुराइयां उन्हें हमें हम में नजर आती हैं, तो फिर वो शेयर करते हैं तो हम भी उनपे एक स्माइल कर देते हैं, फिर वो स्माइल वाली बात स्माइल बिल्कुल। क्योंकि भाई एक भाई बता रहे थे कि आप स्माइल भी कहते हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया में सेम ही लोग ऐसे हैं, तो आप स्माइल कहा करें तो ठीक से स्माइल निकलेगा जी। तो प्रोनाउंसिएशन का भाई मसला है, क्या करें, जगह का भी होता है ना, तो कुछ लोग जगह के एतबार से भी, लोकेशन के हिसाब से, जुबान जो है ये ऐसे बचपन से जो है। हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि हम एक दूसरे को बड़ा, जितनी भी हमारी लैंग्वेज खराब हो जाए हम समझते हैं एक दूसरे को। ये तो भाई जाहिर सी बात है, उधर से आई सारी लैंग्वेज है तो समझेंगे जी। बिल्कुल। तो भाई बहुत ये यहाँ पे बात मुबारक वाली है कि आपकी कंट्री को मुबारक हो, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मेडल टाइप या कह लें कि एक तोहफा गिफ्ट टाइप आपकी कंट्री को मिल रहा होता है। हाँ जी। और ये सारी मेहनत होती है आपके लोगों की, आपके लोग जो है वो वाकई दोबारा से फिर से इंडिया को जो है वो सोने की चिड़िया बनाने में लगे हुए हैं। और हमारी ये दुआ है कि चाइना को आप इसी तरह टॉप कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बीट करें हर मामले में, कर सकते हैं, आपका टारगेट है। और वैसे भी इंडिया ने जब भी जिस जिस को भी टारगेट किया है उसे इंडिया ने बीट किया ही है, तो अगर अब चाइना है तो यकीनन चाइना भी बीट करेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आप लोगों के साथ है। बाकी जी मेहनत होती है, तो आप इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का सिला मिलेगा जरूर, क्योंकि मेहनत करने वाले जो है उनको सिला मिलते हैं, और जो नखट्टू होते हैं फिर वो तो भाई पूरी दुनिया में जलील हो रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी इसमें हमारा कसूर नहीं है, जो हमारे से पहले थे वो कर गए। तो ये अपने से पहले पे इल्जाम लगाने का फायदा नहीं होता, खुद करो तो भाई नजर आए, क्योंकि जो मेहनत करता है वो सारी दुनिया को नजर आ रहा होता है कि फला बंदा ये काम कर रहा है, तो उसने उसको सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.